आज मैं खाना बनाऊंगी। दादी आप ही खाने वाली, खाना मैं सीख रही हूँ यार। आज मैं देखूंगी कैसा बनता है। मैं पुलाव और बिरयानी। मम्मा यार कैसे हैं? पापा सोच रहे हैं। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू प्रोफेसर्स यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। सो आज कुछ ऐसा हुआ है जो मम्मा अकेली थी और मम्मा ने कुछ कर लिया अपने साथ। क्या हुआ है? तुमने पूछा मुझे, आ गई हूँ अभी। मैं आ तो गई हूँ ना, पहुंच गई हूँ ना घर, टेंशन क्यों ले रही है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं तो बाद में अकेली थी, मैं कपड़े ऊपर रख रही थी, स्टूल फिसला, मैं नीचे गिरी, बाजू ऐसे हाथ मेरा नीचे है और वो इतना उंगलियां मेरी मुड़ी हैं और वो इतनी बाद में, पहले मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक काम करती फिर हूँ, शॉपर मैंने रख भी लिए, सारा कुछ कर लिया, बाद में मैं हाथ में ऐसे ही नहीं हो रही उंगलियां। जो मेरे पाओ के अंदर हुआ था वो मम्मा के हाथ में स्वेल हो गया सारा। यार रोई भी, पापा को फोन किया, पापा ने आके फिर वो तेल लगा के मुझे पूरे ऐसे सीधा करके पट्टी बांध दी कि हाथ ऐसे नहीं करना। हाँ। मम्मा खाना बनाई थी पुलाव, जो कि मम्मा ने आधा जला भी दी। जली ना, तेरी भी जली ना। क्यों वाला? रबिया ने आना है, पापा ने आना है, खाना खाना है, मैंने सालन बना पुलाव, मैंने कहा चलो इजी सा बना लूंगी इस हाथ से करके, प्याज रखे हैं, पता नहीं क्या चीज पकड़ने लगी, वो नमक खोलने लगी, खुल ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा, इस हाथ से खुल नहीं रहा, उसका ढक्कन अभी ऐसा लगा फिर रोने लग जाएगी। तो वो सारे प्याज डाल के अब चिकन डाले, अब जाके अब तू बनाएगी आज खाना बनाएगी मम्मा की एक ही, क्योंकि बेटी घर पे है, ज़ैनब सो रही है माशाल्लाह से, तो आज मैं खाना बनाऊंगी। अच्छा, खाना खराब किया ना, अब उसको तुमने ठीक और मजेदार बनाना, क्योंकि अब मुझे पता है कि जरा अब अच्छा खाना बना। ठीक है तो आप करें रेस्ट, मैं खाना। मम्मा ये क्या, ये क्या है? ये चावल रखे हुए मैंने, इसमें दूध ज्यादा था। हाँ नहीं, रोज दूध, तो दूध में चावल क्यों, खीर दिया था ना इतना ज्यादा, तो खीर बना रही हूं, चावल डाल दूं, अब इसको साथ साथ चम्मच भी। अम्मा आप वो वाला हाथ यूज ना करें हैं, ये तो इजी काम था, मैंने पापा से दूध दिलवाया सारा इसमें। हाँ। और चावल डालिए, खुद ही पक रहा है, इसमें तो कुछ मुझे जरूरत नहीं पड़ रही हाथ हिलाने की, और इतनी मजे की, ये देखना खीर बनेगी ना, सबको दिखाएंगे, रेड वाली खीर। खीर चलो मेरी जिम्मेदारी, और चावलों का देखो आगे कैसे। प्याज जल गए, मम्मा ने प्याज जला दिया, मैं खाना बनाती हूँ। ये लो जी मम्मा, वो वाला हाथ ना यूज करें, हाथ ना यूज करें, पापा से मंगवाई है। हाँ। अंदर डाली, अब ये क्या, इसको अब तुमने सही करना, टमाटर शमाटर डाल के ना, वैसे तो पुलाव का कलर ऐसा ही होता है। वैसे चिकन बन गया, अब आप बताती जाए क्या करना है आगे। चूल्हा जला, इसमें टमाटर डाल दो, टमाटर में डाल दिए टमाटर, ये इसको और क्या डालना है, अंदर दो चम्मच मम्मा ने ये सब बना, ये फिर आप लाए, रुके मम्मा ये, लेकिन ये टमाटर भी किसने काटे हैं? पहले मैंने काट, पता भी नहीं चला था तब से, मेरे हाथ को घंटे बाद दर्द शुरू हुई है, टमाटर भी मैंने काट लिए, सारा कुछ कर लिया है। चलो जी ठीक है, ये पेस्ट है, ये भी अंदर डालना है, अंदर डालूं? लाए मैं डाल के, तुम्हें नहीं पता कितनी मुश्किलों से आज मैंने काम कर, समझ नहीं, बस लाया ध्यान से, मम्मा ध्यान से, ध्यान से मैंने कभी, मैं कर लेती हूं, आप जाएं भूनो चूलो, पानी डालो, अच्छा पुलाव बनाना है, हम लोग खाना बना रहे, मजा आता है, हमारी देसी मुर्गी है ना। ओके आज फिर चीजी पुलाव राबिया बनाएगी, यार देखती हूँ मुझे ऐसे बनाना है। ठीक है मम्मा नहीं करती, अब इसको करना क्या है, लेकिन आज मेरा सही वाला खाना है, आज बड़ी भूख लगी सुबह से कुछ खाया, लेकिन अब करना क्या है ये तो बताएं। जम्मी यार मेरा दिल चाह रहा है ऐसे ही खा लूँ इसको, क्या करूँ अब, बस भूनती जाओ। ठीक है अब इसको हम भूनते जाएंगे, टमाटर भून जाएंगे और मसाले डाल रहे हैं। ठीक है फिर अब मसाले डालेंगे। मम्मा को मैंने कहा, मम्मा इसके अंदर ना हम लोग डाली आनी मसाला, तो फिर और मजे का टेस्ट आएगा, मैं आज अपने स्टाइल से बना रही हूँ। मम्मा ना उल्टे हाथ से पुलाव बना रही हूँ, बिरयानी कहाँ से आ गई अंदर, ये क्या है, मैं नहीं मजा आएगा आपको नहीं पता, आप ना करें ना, हाथ पीछे कर लें, पीछे कर लें, मैं बना रही हूँ ना, मैं देती हूँ, अल्लाह करे बिरयानी मसाला हो गई। दे मम्मा मसाला दे, और गैस हम इसके अंदर ये बिरयानी, आप लोगों को बता दूं पुलाव का यमी करने का स्टाइल होता है, मैंने गूगल से देखा है, ऐसे ही काटो ये, इसको काटते हैं मम्मा, ये देखो उल्टे हाथ से, सीधा हाथ काम ना करे तो उल्टे से कैसे काटते हैं। और गैस इसके अंदर मम्मा सारा डाल दूं ना, सारा डाल दूं, मम्मा मुझे देख रही है, मम्मा को हाफ डालना, हाफ 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 हाफ, मम्मा नहीं लेकिन मैं फुल डालूंगी आज, हम हाफ डालना, आज मैं देखूंगी कैसा बनता है, मैं पुलाव बिरयानी, मम्मा यार आज पुलाव बनाई ना, आप खराब हुआ तो पापा को इसी ने बनाया, रेसिपी देखिए वो पूरा डाल दें, पूरे चिकन में पूरा चाट मसाला, चाट नहीं सॉरी बिरयानी। चलो यार ये इसको भूनते रहने मम्मा, इसको हम भूनेंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ओके गाइस सो फाइनली हमने इसको, और खाना बना क्या बड़ा आसान काम है, बस पूछते जाओ और बनाते जाओ, वाह यम्मी बना, यम यम,
इसको चटपट डाल। मामा आलू खारे पड़े, आलू खारे वो भी डालते हैं अंदर। पुलाव में आलू खारा कौन डालता है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ते मामा डालते, मैं कुछ चटपटा बना रही हूँ आलू खाना देना। हम लोग ये अंदर आलू खड़े डाल देंगे, वो भी धो दे मम्मा। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, आराम से रबे सारी छींटे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसके अंदर क्या डालना है? पानी डालना है। अब इसके अंदर हम पानी डाल के मैं इसको दम पे चढ़ा दूंगी। दम पे चढ़ाने फिर क्या करना, क्या तरीका पता है? फिर उबलेगा चावल डाल, फिर जब पानी उबल जाएगा फिर हम अंदर चावल डालेंगे। चलो यार अब इसके अंदर पानी डालते हैं। वो यार खाना बनाना कितना सेटिस्फाइंग है। अच्छा हमको सिखा रिया है। दो बाउल पानी डाल। अच्छा अगर एक बाउल चावल है तो दो बाउल पानी डालेगा। ये लो जी दो बाउल पानी डाल जाओ। वाह वाह वाह। अब इसको गलने देना। वो वैसे लोग उसमें देखती हूँ मैं। आप इधर कुकर में बना रही है सैं? ये भी एक राज की बात है कुकर में, इसलिए कि देसी मुर्गी थी गलनी नहीं थी। मैंने कहा चलो वेट लगा। हाँ अच्छा ये गाय हमारी देसी मुर्गी है। वाह ये गलेगी नहीं ना, किसी थोड़ा सा वेट लगा देते ताकि गल जाए फिर इसमें चावल डाल। ठीक है तो अभी हम इसको वेट करें फिर हम चावल। ऐसे ले रही जैसे मेरे पेपर लेने आई हुई क्योंकि मैं पुलाव बना रही हूँ ना। ओके गाइस फाइनली हमारा ये गल चुका है फुल गोश्त। यम्मी यार मेरा तो दिल चाह ऐसे ही खा लूं मैं। वाओ लाइक अ वाओ। मैंने मम्मा को बोला वो चावल निकाल दिए हैं एक हाथ से, ये हमारे चावल आ गए। करना है खाली व्लॉग देना ऐसे नहीं, अंदर पानी है। ओ अच्छा लाए मैं निकालूं। आप छोड़ दे, आप छोड़ दे मैं निकाल दे। यार कुकिंग मेरे बस का गेम नहीं है, मैं बता रही हूं। अब मैं पानी निकाल लिया है, मतलब मैं अभी अंदर डाल दूं, सारी डाल दूं मम्मा। मुझे ना मतलब पुलाव बनाना आ गया। छोटी मोटी चीजें बना दादी। आप ही क्यों आने वाली है खाना, मैं सीख रही हूँ यार। अरे कहना क्या चाहते हो? और बस इतनी मारने। अच्छा 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 बस पकने दो इसको। ओके यार सो अब ये चावल पक चुके हैं और बन गए। अब क्या करना है मम्मा? पक गए पक गए। अब बस दम देना पीछे में दे। मम्मा ऊपर तवा करते हैं, इसके ऊपर ये डालेंगे। ठीक है ऊपर हम रखेंगे तवा। करती हूँ मम्मा मैं, करती हूँ ना। आगे वापस मुझे बता देना प्लीज। तवा नहीं रखना, इसी को पकड़ो दिखाए इसी के साथ ही हो जाएगा ये। बस बंद कर दो इसको। ये गाइस इसको कर देंगे बंद। मैं बंद नहीं हो रहा यार, तो फिर हो गया इसी में दम आ जाएगा। चलो ये हमारा दम आ जाएगा, ऊपर ये नहीं डालना, ऊपर ये डाल देते। चलो गाइस जब पक जाएंगे फिर आप लोगों को दिखाऊंगा करना है। चलो मेरी के हमारा पुलाव तैयार हो गया, आप लोग देखेंगे रेडी। इतना अच्छा बनाया मैंने, वाह वाह। बस मैं आपसे इंफॉर्मेशन लिया लेकिन बनाया तो यार मैंने आना। इसे कहते हैं चिकन पुलाव विच इज वेरी यम्मी। 150 रुपया देगा। ठीक है तो अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए मिर्चें, वो हम ऐसे करके ऊपर यूं करके रख देंगे, इससे थोड़ा ना खुशबू आ जाती है मिर्चों की। चलो अब इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और बल्कि नहीं मम्मा देखे आगे कैसे बने, मम्मा को दिखाऊंगी सही ना। और पापा के साथ मैंने कॉम्पिटिशन करा, पापा को खिलाऊंगी और कहूंगी कि मैंने नहीं बनाया, देखते हैं वो कैसी तारीफ करते हैं। मेरा बताया तो मामा ने चेक करें ना, मार मार के तो नहीं मारा, चेक करें कैसे करें टेस्ट करें। और ये मिर्ची क्यों डाली है अम्मा? ऊपर स्टाइल के लिए डाली है। हम लोग दम में डालते हैं, राबिया ने चावल खुलने के बाद डाली है। नहीं फिर तीखी रहती है। ये पुलाव का टेस्ट भी देगा और बिरयानी का भी देगा। यस अब पापा वेट करते हैं फिर हम मिलके सब खाना खाएंगे। अच्छा तो वो दिखाओ क्या खीर। खैर गाइस मम्मा की खीर है ये। चलो ठीक है मम्मा, लेकिन मेरा पुलाव अच्छा है। काम करते हैं। पापा दोनों चीजें चेक कराते हैं और बताना नहीं है कि किसने क्या बनाया, देखते हैं कि किसकी तारीफ होती है। ठीक है पापा को ये भी कहेंगे पापा जी दोनों में से कोई एक चीज मैंने बनाई एक मम्मा ने, तो पापा देखे बता के पक्का मेरी तारीफ होगी, देख लेना। ऐसे नहीं बताना कौन सी मैंने, अरे कहना दोनों खा के बताए कौन सी अच्छी है, मजे की बताना किसी ने किसने बनाई है। ठीक है चलो यार अब बाबा का वेट करते हैं। ओके गाइस हमारे हैंडसम डैडी आ चुके हैं जो आजकल बड़ा फिट बने हुए हैं। तो पापा जी आज हमने आपका एक पहले बताया मम्मा का जो चोट लगी है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे, चोट लगी तो वो अफसोस होता ही है। अभी मम्मा भी अपने बच्चों की तरह वो है लापरवाह, हाँ गिर गुर जाती है कहीं भी और फिर आगे तो रोने भी लग जाती है। पट्टी पुट्टी कर दी अच्छी तरह। हाँ तो अब सही है, तो अब ठीक है, अब जल्दी आ जाएगा। उंगली मुड़ गई ना, सूज गई थोड़ी सी। हाँ तो खैर अब हाँ पापा को तो पता ही है। तुम ऐसे दांत पर निकाले जैसे बोली जिन्नी लग रही है। दांत निकलते और क्या, नाक निकलते।
नहीं ये पापा वैसे बताइए ज़ैनब बल्ब नहीं लग रही वो वाला बल्ब रोशनदान ये है हाइलाइटर लगा हुआ हाइलाइटर हाँ इसको देख के इधर से मुड़ जाना मजा आया आज जो है ना मम्मा ने दो खाने बनाए हैं एक खीर और एक पुलाव आपने खा के बताना कि दोनों में से क्या अच्छा है चलो जरा गाइस गाइस खाना लाया जाए प्लीज जल्दी से मैंने स्पेशल डाल के रख दिया ये हमने खीर भी डाल दिया है ये इसके ऊपर सैलेड भी थोड़ा सा सैलेड साथ देते हैं पापा को ये वाली अपना भी खाओ जैन चलो पापा जी ये आपके चावल ठीक है पहले आप चावल टेस्ट करें खीर बाद में और ये साथ आपका सलाद भी आ गया पापा का सलाद भी ये अच्छा पापा जी ये आप खा के बताएं कैसे हैं पहले चावल खाएं कीड़ा मैंने काटा बहुत मजे के सही चैलेंज तो है कि आपने खीर भी खानी दोनों में से एक चीज बतानी है हाँ पापा जी अब ये खा के बताए ये कैसी है नहीं नहीं एज अ मीठा खा के दोनों में से ऐसे रेट करना आप किसको ज्यादा रेट करेंगे मैं तो दोनों को ही तुम अंदर से तुम्हें सब पता है बाकी दोनों चीजें बहुत हार्ड वेरी गुड लेकिन अगर एक अच्छी हो तो वो क्या होगी एक अच्छी ज्यादा तो बिरयानी मैं जीत गई आपको यकीन होगा ये पुलाव मैंने बनाया है पुलाव मैंने बनाया है मसाला डाला हाँ मैंने चटपटे बनाए मेरा टेस्ट है मेरे हाथ का मजे के बने मैं शेफ बन सकती हूँ देखा मम्मा आपको यार ये मेरी डिश जीत चुकी है और मम्मा को मैंने हरा दिया है ये पकड़ मेरे को जानता नहीं है ये मेरी खीर भी मजे की है खीर बताओ नहीं हारी मम्मा मैंने खीर को ज्यादा बोला मैं तुम्हें थप्पड़ भी मारूंगी यार शुक्र है मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया अब से मैं कुकिंग ज्यादा किया करूंगी और आप लोगों को अच्छी अच्छी रेसिपीज भी बताया करूंगी ओके गाइस सो होप कि आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा और इसको लाइक कर दें शेयर कर दें कमेंट कर दें ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल बाय बाय ज़ैनब